चलिए अब शुरू करते हैं 17वां अध्याय, संवाद लेखन। आपस में कोई बातचीत को वार्तालाप कहते हैं। हम टेलीविजन, सिनेमा, नाटक आदि में पात्रों में संवाद देखते सुनते हैं। नाटक तो पूरा संवाद ही होता है। कोई भी कहानी, उपन्यास, स्मृति लेख आदि संवाद के बिना अधूरे माने जाते हैं। अब संवाद लिखते समय आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला, संवाद सरल व स्पष्ट लिखना चाहिए। संवाद छोटे व रुचिकार होने चाहिए। संवाद में एकरूपता अवश्य होनी चाहिए। संवाद में किसी तरह का बनावटीपन नहीं होना चाहिए। संवाद की भाषा प्रभावशाली होनी चाहिए। संवादों में पदबंधों, मुहावरों व व्यंगों का भी प्रयोग करना चाहिए। चलिए देखते हैं माँ और बेटी की बातचीत। माँ, तनु तुम क्या कर रही हो? तनु, मम्मी जी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। माँ, अच्छी बात है, मन लगाकर पढ़ाई करो। तनु, मम्मी जी आजकल मैं विद्यालय में मन लगाकर पढ़ती हूँ। ठीक है, मगर इससे काम नहीं चलेगा। तुम्हें घर पर भी सुबह शाम मन लगाकर पढ़ना होगा। तनु जी, मम्मी जी, मैं सुबह उठकर और शाम को भी अतिरिक्त रूप से मन लगाकर पढ़ रही हूँ। शाबाश, फिर तो तुम इस परीक्षा में अवश्य ही अच्छे अंक प्राप्त करोगी। चलिए अब आते हैं दूसरे संवाद पर, दोस्तों का आपस में संवाद। स्पर्श, मित्र, इस साल तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाँ मित्र, गर्मी से तो सभी तंग आ गए हैं। स्पर्श, चलो इस बार गर्मियों की छुट्टियां कहीं ठंडी जगह जाकर बिताते हैं। अनिकेत, मैं अपने मम्मी पापा से बात करता हूँ, तुम भी अंकल आंटी से बात करो। स्पर्श, लेकिन कहाँ चलें? कश्मीर, शिमला या कहीं और? अनिकेत, मेरी मानो तो शिमला या मनाली चलो। स्पर्श, ठीक है, तो फिर शिमला का ही प्रोग्राम बना लेते हैं। अनिकेत, शिमला बहुत अच्छी जगह है। स्पर्श, गर्मियों की छुट्टियां शिमला में बिताने का बड़ा ही मजा आएगा। अब दरवाजे पर खड़े अतिथि और लड़के का आपस में संवाद। अतिथि, बेटा, अशोक जी का घर यही है? विशाल, जी हाँ, वे मेरे पिताजी हैं, आप अंदर आ जाइए। अतिथि, मुझे तुम्हारे पिताजी से मिलना है। विशाल, वे अभी घर पर नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। अतिथि, कहाँ गए हैं? विशाल, वे बाजार गए हैं, आप बैठिए और जलपान ग्रहण कीजिए। अतिथि, मैं तुम्हारे पिताजी का मित्र हूँ। विशाल, हमें बहुत खुशी हुई जो आप हमारे यहाँ पधारे। अतिथि, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? विशाल, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अतिथि, अच्छी बात है, तुम्हें माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए हैं, तुम्हें अतिथि सत्कार करना भी अच्छी तरह से आता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे दोस्त के बेटे में इतने अच्छे संस्कार हैं। विशाल, आपका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, हमें
हमारे शास्त्रों में अतिथि को भगवान का रूप माना गया है। हमने पुस्तक में पढ़ा है, अतिथि देवो भव। चलिए अब आते हैं अभ्यास माला पर। इसमें आपको डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद लिखना है।